सुप्रीम कोर्ट में पहले तो अपील करेगी, वो कोशिश करेगी किसी तरीके से भी हाई कोर्ट का जो फैसला है इसके खिलाफ जो है अगर कोई फैसला ले सके, और अगर वो नहीं भी लेते तो उसके बाद बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है कि जैसे अभी उन्होंने शेरशीर के मामले के अंदर ही एक प्रेसिडेंट बताई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि रिकॉर्ड पे फैसला मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि शेख रशीद के खिलाफ जो है कोर्ट की परमिशन के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो लेकिन उस ऑर्डर के होते हुए उनके ऊपर चार मुकदमा दर्ज कर दिए गए, रेड भी करके पकड़ भी लिया गया और उनकी बेल भी अभी नहीं हो रही। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामला है जिस पर हुकूमत जो अमल दरामद नहीं कर रही, बल्दियाती इंतखाबात के वाले से आप देख रहे हैं सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कोई अदालती अहकाम को कोई मुरूज खातर नहीं रखा गया, और इसी तरीके से अब जो ये फैसला आया है, फैसला तो आ गया लेकिन मसला है इस पे अमल दरामद का, क्या हुकूमत इस पे अमल दरामद करेगी, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर मनो जो है अमल दरामद करेगा। ये अदालत के फैसले से हटकर अदालत का फैसला तो किसी चीज के तजनी के मामले के अंदर होता है, यहाँ पे जिस तरह बताया शायद के बाइंडिंग है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी हुकूमत या तमाम जो भी इदारे हैं वो पाबंद है, ड्यूटी बाउंड है कि वो 90 दिन के अंदर हर सूरत उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, और ये एक आईनी अमल है और इसके अंदर कोई भी अगर उसके अंदर पहलौती करेगा या इससे इनकार करेगा तो आर्टिकल 6 उसके ऊपर अप्लाई करेगा। इसमें अदालत की तशरीह की जरूरत नहीं थी लेकिन बहरहाल फिर भी चले एक जरूरत, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में एक बना हुआ है मसला तो अदालत में हर जगह मामले में जाना पड़ता है, तो अदालत ने अब उसको भी फैसला भी दे दिया है। तो मसला ये है कि क्या इस पे अमल दरामद हो सकेगा, और अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर आगे मामला जो है ये और ज्यादा तसादम की तरफ जाएंगे, और एक और ज्यादा एक तो ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौशी बहरान है, सियासी बहरान और फिर आईनी बहरान भी पैदा होगा अगर इस तरीके से वजीर हुकूमत ने हट कर दे या इसके अंदर जो हर्डल्स पैदा की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कि एक बाजार एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है लेकिन उसके अंदर जो सियासी जो रहनुमा है उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है इसके ऊपर, और हर दूसरा जो बंदा है उसके ऊपर साफी हो या आपका जो सियासी वर्कर है या रहनुमा है उसके ऊपर 124 लगा दी जाती है, यानी हर बंदे को गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बगावत है उनको, यानी ये अंग्रेज के दौर का कानून था वो तो एक हमारे ऊपर जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे थे बड़े सगीर पाक को इनके लोगों को गुलाम की तरह, तो क्या वो अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अभी भी लग ये रहा है कि वो उसी तरीके से राज जो है या उनकी जो बात याद है आज भी वो कायम है, और वो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं जो पॉलिटिशियन हैं जो साफी हैं आज उनसे वो गुलामाना जो स्लोग है गुलामों की तरह